गाइस आज हम तरजाई और कात्रज लेक जा रहे हैं। तो ये प्लान क्या है कि बेसिकली गाइस कि पहले हम तरजाई जाएंगे, उसके बाद सनसेट देखने के लिए उधर जाएंगे कात्रज लेक। ब्यूटीफुल होगी ये ट्रिप। फाइनली पहुंच गए अब। अभी ये फाइनल एक चढ़ाई है गाइस, इसके बाद आ गया डेस्टिनेशन। हमारे घर से कुछ ज्यादा दूर नहीं है, 7-8 किलोमीटर रहेगा। ये रहा मंदिर और यहाँ पे एक बढ़िया सा सिटी का व्यू, पूरी सिटी दिख रही है गाइस यहाँ से, और एकदम ठंडी हवा बह रही है। ये है गाइस तरजाई माता मंदिर। कुछ वैसे टाइप की मूर्ति है गाइस। मंदिर के आजू बाजू में बहुत बड़ा कैंपस है। इधर क्यों रखा है ये? बैठने के लिए। ये आइडिया अच्छा है कि कार ही डाल देते सभी जगह। कुत्ते बहुत है इधर, अभी इनका विश्राम का वक्त चल रहा है। ये भी एक रोड है गाइस, वैसे जैसा कि आप देख ही सकते हैं यहाँ पे लर्नर्स वगैरह आते हैं। एक एक्चुअली यहाँ से आप उतरते हुए ना एक घाट है, तो वो घाट की प्रैक्टिस भी हो जाती है इनको। इधर से व्यूज बहुत ऑसम है इस रोड से अगर आप आओ तो। सूरज देखो गाइस कितना ही चमक रहा है, मतलब इतनी गर्मी है। है ही नहीं कुल्फी वाला, तभी मैं सोचूं कि भीड़ कैसे नहीं है उस टेम्पो के सामने। आज वॉश इतनी शांति है गाइस यहाँ पे। अभी डैड का क्या प्लान है? धूप ही बहुत है, धूप बहुत है, मतलब अभी गर्मी के दिन अचानक से ही शुरू हो गए, मतलब 2-3 दिनों में ही अचानक से ठंड चली गई, कम नहीं हो गई, चली गई और गर्मी आ गई। तुम्हें भी कहा था अक्षु वो कैप लेने के। हाँ मैं, लेकिन मैं भूल गया एक्चुअली, वो अभी ध्यान में नहीं आता ना, हम ऐसे ही अभी क्या करेंगे, कार में ही रखेंगे वो। वही वही कार में घूमने का सवाल ही नहीं। हम कब से गाइस मतलब कार में ही रखती है अपनी कैब, मतलब उसका वो आइडिया ही रहता है। अभी मैं कैसे भूल गया, वो भूलती नहीं कभी। शांति और निसर्ग तो यहाँ पे बहुत है गाइस, और नेटवर्क नहीं है बिल्कुल। ये है गाइस डक वैली, वो देखो डक आगे, आप ना बहुत सारे डक्स देख सकते हो यहाँ पे। वो देखो दिखेगा गाइस, डक वैली बोलते हैं इसको। आप यहाँ से थोड़ा सा आगे आ जाओगे तो ये दिखेगा। ड्रोन से ही व्यू अच्छा आएगा, ड्रोन से बहुत अच्छा आएगा। पार्वती मंदिर के जस्ट पीछे वाला साइड है। बड़ी सी एक एलिफेंट, ये दिखता नहीं एक्चुअली, मतलब ऐसे ही गुजर रहे हो तो ये आसानी से दिखेगा नहीं, नहीं? हाँ, क्योंकि हम ऐसे अभी यहाँ से जा रहे थे, डक वैली देखना था, लेकिन इधर आने तक तो कुछ भी दिखा नहीं पूरा। और 4-5 किलोमीटर आगे होगा, है ना? ये वॉकिंग के लिए भी है गाइस, वैसे आराम से चल सकते हैं इधर से। यहाँ से तो कितने सारे पंछियों की आवाज आ रही है देखो ना। हाँ। इधर से अगर ध्यान से सुना जाए ना गाइस, तो बहुत सारे पंछियों की आवाज आ रही है। देखो नर्सरी भी है। हाँ ये इधर नर्सरी है, मतलब आओ ना देखते हैं। प्लेन नर्सरी है यहाँ की, एक फ्लावर्स नहीं है, फ्लावर्स नहीं है, सिर्फ पौधे है छोटे छोटे। वो हमने सोमाटनी का एक व्लॉग बनाया। हाँ, हाँ। वो उधर पूरा था, अलग अलग है वो, वहाँ पे बहुत सारे है। यहाँ से आए हम गाइस, यहाँ पे आपको बहुत सारे शॉप देखने को मिल जाएंगे। सबसे मेन अट्रैक्शन गाइस इधर से आप ना सिटी का व्यू जरूर देख, इतना बढ़िया और ब्यूटीफुल दिखता है। अभी जा रहे हम गाइस बाम्बू उद्यान, उधर बाम्बू के जो पेड़ होते हैं ना, बाम्बू जो होता है ना, उसका पूरा देखा है उधर है सीन से। उधर पाषाण गए थे तभी बाम्बू की जैसे आवाज आ रही थी, देखो। हाँ हाँ वैसी आवाज इधर आ रही, शायद उस पेड़ के ही वो खासियत होती है। कितना डर थी मैं। पाषाण लेक में जोर से आवाज आ रही है ना, पाषाण लेक में जैसे आवाज आ रहा है ना, उससे ज्यादा आवाज इधर, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा है ये। हाँ पाषाण लेक का व्लॉग वैसे आप गाइस ऊपर देख सकते हो। बहुत ही ज्यादा मात्रा में गर्मी है गाइस, मतलब फोन तो ऐसे ना हीटर जैसे हो गए ना यहाँ हम तीनों के। मेरा तो खैर ठीक है, मैं शूटिंग कर रहा हूँ, लेकिन गर्मी इतनी है कि क्या करें। कार से बाहर निकलते ही ऐसे एकदम से ये हो रहा है कि बहुत गर्मी है यहाँ। वैसे गाइस काम चल रहा है अभी तरजाई में, मतलब पीछे जो वो दिख रहा था ना हमें कमान, वहाँ पे भी काम चल रहा है, और एक ओवरऑल ही सभी जगह पे थोड़ा थोड़ा काम चल रहा है। देखो अभी कितनी देर बाद ये एरिया लगा है हमको, वरना इतनी धूप थी। अभी भी यहाँ से भी थोड़े थोड़े पैचेस है ही, लेकिन अभी थोड़ी राहत मिल रही है, इतना ठीक है। पीछे देखो आप, पूरा ये है धूप का एरिया है सब। देखो अभी यहाँ से शुरू हो गए बैम्बू के ट्रीज, कितने बड़े बड़े है, देखो कितने झुके हुए, देखो ना ये ऐसा लगेगा गिर ही जाएगा।
आ गए बांपू उद्यान। इधर भी थोड़ा थोड़ा काम चल ही रहा है, देख सकते हो अभी अभी वो ट्रक भी गए। यहाँ पे देखो ये जेसीबी का काम चल ही रहा, थोड़े थोड़े रास्ते बनाने का चल रहा है, थोड़ा थोड़ा ये चल रहा है। पेड़ों का एक है यहाँ पे कि ये स्पीशीज कौन से है और उसका साइंटिफिक नेम भी है, फाउंड इन साउथ एशिया रीजन, ये स्पीशीज साउथ इंडियन है। ये तो बहुत कॉमन, ये दोनों ही बहुत कॉमन है ना, ये भी और वो पिछले जो दिखाई वो भी। स्वीट ड्रैगन बैम्बू, ये सभी स्पीशीज बैम्बू के ही है इसलिए ये बैम्बू उद्यान है। ये एक मिट्टी का एक बार काम हो जाए ना तो चलने में भी और मजा आएगा। सॉफ्ट है खैर मिट्टी, कुछ पत्थर चुभते नहीं, लेकिन एक बार हो गया तो परफेक्ट हो जाएगा फिर। बाकी नेचर तो बहुत ही बढ़िया है, नेचर को देखते हुए ये चलने का कुछ भी नहीं लगता। नहीं नहीं कुछ भी नहीं लगता, मजबूर हो जाए। वहाँ देखेंगे लेक के पास, वहाँ पे देखेंगे क्योंकि कुल्फी का फील अलग होता है, इसका फील अलग होता है और गर्मी का तो सबसे ऊपर फील है, तो उनके लिए यही एक सोल्यूशन है। जल्दी से मेल्ट होता है ना इसलिए यही खाना पड़ेगा। अक्षु पहले वो खाओ, क्या चल रहा है? अचानक से आ गए, इसका साथी अभी चला गया, देखो ये भी जाएगा। ये सब तो अभी बंद ही हो गया मेरी ग्राउंड, अलग अलग टाइप के।